क्या देख रही हो मीरा? तुम्हारी मांग सुनी हो गई माँ, तुम्हारी कलाइयां सुनी हो गई, उन लोगों ने तुम्हारी लाल चूड़ियां तोड़ दी माँ। उन चूड़ियों से अब भला मुझे क्या काम, जब पति ही नहीं रहे, हर सिंगार से नाता टूट गया। क्या उसकी चूड़ियां भी तोड़ी गई होंगी? ये चूड़ियां जिनके लिए खनकती थी, जब वो ही नहीं रहा तो इन चूड़ियों का क्या काम? तू क्यों रोती है? कुमार बाबू तेरी दीदी को साथ नहीं ले गए इसलिए। हर वादा तोड़ते ना कुमार बाबू, हर वादा। पहले सिंदूर का वादा, फिर साथ मरने का वादा, जब मैं जाऊंगी ना उनके पास तो मैं खूब लड़ूंगी, इसे खूब लड़ूंगी। इसे प्यार कहते हैं। आज दुनिया के सामने अलकनंदा उनकी विधवा है, मैं कौन? मुझे तो उनकी लाश से लिपट कर रोने का भी हक नहीं है। आखिर हमारा रिश्ता ही क्या है? क्या रिश्ता था पापा का उस औरत से माँ? बोलो ना माँ। दादी क्यों कह रही थी कि उस औरत ने पापा को अपने जाल में फंसा के रखा था? बोलो ना माँ, बोलो ना। जिसे तुम वो औरत कह के बुला रही हो, वो तुम्हारे पापा का पहला और आखिरी प्यार थी। मैं उनकी पत्नी बनकर उनके घर में तो आ गई, लेकिन उनके मन में कभी नहीं समा। जिस सिंदूर के मिट जाने पर तू इतनी दुखी हो रही है ना मीरा, मैं एक रंग की तो प्यार का रंग कभी नहीं भुला था। बस करो माँ, ये सच नहीं हो सकता, मैं नहीं सुन सकती। मैं जानती थी तू विश्वास नहीं करेगी, जानती थी तू सह नहीं पाएगी, इसलिए तुझसे छुपा के रखा। मेरे पापा का पहला और आखिरी प्यार थी, एक नंबर का रिश्ता था मेरा उनसे। मीरा तुम्हारी माँ तो उसी दिन विधवा हो गई थी जिस दिन तुम्हारे पापा ने कह दिया था कि वो मुझे कभी पति का हक और दर्जा नहीं देंगे। जिस सिंदूर के मिट जाने पर तुम इतनी दुखी हो रही है ना मीरा, मैं से एक रंग की तो था। मीरा बेटा, जब भागती हो तो इधर उधर देख भी लिया करो। विधवा हो गई है, जब सुहाग ही नहीं रहा तो 16 श्रृंगार थोड़ी ना करेगी अलकनंदा। जब सुहाग का सुख छिन जाता है तो बाकी के सुख भी त्यागने पड़ते हैं।
यही हमारे घर की परंपरा है, यही रीत है। किसको पता था कि ऐसा होगा? ये कुमार भैया की उम्र तो नहीं थी इस दुनिया से चले जाने की। अलकनंदा का खोटा नसीब, अब विधवा होना लिखा था उसकी किस्मत में। तो मेरे देवर जी को छोटी उम्र में ही दुनिया छोड़ के जाना पड़ा। वाकई औरत की किस्मत ही तय करती है कि उसके पति की उम्र कितनी बड़ी या कितनी छोटी होगी। हाँ इरावती, अब देखो ना, मैं तो कहती हूं कि भगवान अलकनंदा जैसा उजला रंग दे ना दे, लेकिन किसी को उस जैसी काली किस्मत ना दे। अम्मा जी की लाडली बहू, शगुनी बहू, अब कैसी शगुनी बहू, उसी के खोटे नसीब है जो मेरे देवर जी आज इस दुनिया में नहीं है। चलो अब तो अम्मा जी को कुछ समझ आएगी। Thank you.
रोहित जी, कुमार को गए 2 महीने हो गए, लेकिन किसी के चले जाने से जिंदगी नहीं रुकती। जरा देखिए, सोनाक्षी बिटिया की शादी के लिए कोई शुभ मुहूर्त निकलता है क्या? पता नहीं मेरी सोनाक्षी के भाग्य में क्या लिखा है। वैसे एक बात कहें भाभी, हमें तो बहुत डर लग रहा है, पूछिए क्यों? इरावती। नहीं भाभी, वाकई हमें बहुत डर लग रहा है। हमें तो ये डर लग रहा है कि कहीं सोनाक्षी के ससुराल वाले अपना इरादा ना बदल दें। अब भाभी आप ही सोचिए, जब रिश्ते की बात तय हुई थी तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि उन्हें तो बहुत जल्दी है। जल्दी तो हमें भी है, लेकिन कोई शुभ तिथि निकले तब ना। और ऐसे हालात में अगर मैंने कुछ कहा तो फिर सब लोग कहेंगे कि मुझे सिर्फ अपनी पड़ी है। अब तुम ही बताओ, अगर एक माँ अपनी बेटी की शादी की चिंता नहीं करेगी तो कौन करेगा? वैसे भाभी चिंता तो हम सबको है, इसीलिए तो अम्मा जी ने पुरोहित जी को बुलाया है। चलिए ना, एक बार देखते हैं पुरोहित जी क्या बोलते हैं। चलिए चलिए चलिए। घर में किसी अकस्मात मृत्यु के पश्चात 2-3 महीने के अंदर ही विवाह संपन्न हो जाने का विधान मानते हैं, विशेषकर बेटियों के विवाह के लिए। 2-3 महीने में विवाह संपन्न ना हो पाए तो 1.5 साल तक कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं निकल सकता। 1.5 साल? नहीं नहीं पुरोहित जी, आप पुरोहित जी, ये बात तो मैं भी जानती हूँ कि सोनाक्षी बिटिया की शादी बस कुछ ही दिनों में करनी होगी, इसलिए तो शुभ तिथि निश्चित करने के लिए आपको मैंने यहाँ बुलाया है। घर में खुशियां आने की बात कर रहे हैं, पर कहीं हम किसी का दुख तो नहीं भूल रहे हैं? सोनाक्षी की शादी जितनी जल्दी हो उतना ही अच्छा है, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। पुरोहित जी, आप कोई शुभ तिथि बताइए ना। इस महीने की 14 तारीख इस कार्य के लिए अति शुभ है। विवाह के शुभ कार्यों को करवाने से पहले ग्रह शांति की पूजा करवाना अति आवश्यक है, उसकी तैयारी कीजिए। ये क्या? अरे भाई थोड़ा जल्दी हाथ पैर चलाओ, जानते हो ना कितनी खुशी का दिन है, पूरे घर को खुशियों के रंग से सजाना है। चलो चलो। देखो यश बेटा, यज्ञ में कोई कमी न रह जाए। अम्मा जी, पुरोहित जी ने हवन कुंड के चारों ओर की जगह को पवित्र करके एक शुभ सीमा अंकित कर दी है, उसी के अंदर ये ग्रह शांति का हवन होगा। भगवान की मर्जी के सामने कभी कुछ नहीं चलता, लेकिन इंसान की यही कोशिश रहती है कि किसी भी शुभ कार्य में कोई बाधा ना आए। पंडित जी, ग्रह शांति की ऐसी पूजा करवाइएगा कि मेरी बेटी की डोली इस घर से खुशी खुशी विदा हो। अरे श्लोक, आम के पत्तों की झालर तैयार है? हाँ ताई, ये देखिए, बस अभी बांध रहा हूँ। जल्दी कर, पूजा का वक्त हो रहा है। लड़के को तो देखो, कोई भी काम ठीक से होता है तुमसे झालर लगाने में पूरा दिन लगाओगे क्या? लगा रहा हूँ ताई जी।
श्लोक तुम और तुम्हें लगाते हो। मैं लगा लूंगा मीरा। श्लोक मीरा ने जो कह दिया सो कह दिया, लगाने अच्छा बाबा। और डांटती क्यों, लगाओ। शुभ कार्य में विधवा का अशुभ साया। शिव 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 शिव। अमंगल, अब इस जगह पर पूजा नहीं हो सकती। एक विधवा का पैर पड़ा है इस जगह पर। विवाह के शुभ कार्य के आरंभ में विघ्न पड़ गया। यह हमारी परंपरा और मर्यादाओं का घोर अपमान है। घोर अपमान, घोर अपमान।